कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया में छिड़ी जंग के बीच भारतीय वायुसेना ने भी मोर्चा खोल दिया है। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने देश भर में बने नोडल एयरफोर्स बेस पर 200 से 300 बेड की क्षमता वाले क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था कर दी है और साथ ही एयरफोर्स ने अपने बेंगलुरु कमांड हॉस्पिटल को ऐसी प्रयोगशाला के तौर पर मान्यता दी है जहां कोरोना वायरस की जांच भी हो सकती है। ये जानकारी भारतीय वायुसेना की ओर से दी गई है। भारतीय वायुसेना ने बताया है कि उनके विमान लगातार लेह में मेडिकल सप्लाई और डॉक्टर्स को भेज रहे हैं और वहां कोविड-19 की जांच के लिए खून के नमूने लेकर चंडीगढ़ और दिल्ली आ रहे हैं। वहीं भारतीय सेना ने भी कोविड-19 से निपटने के लिए अपने सैनिकों के लिए हर स्टेशन पर पृथक केंद्र बनाने के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेना अपने चिकित्सा कर्मियों को वायरस से कम प्रभावित इलाकों में उन इलाकों में तैनात करने की योजना बना रही है जो संक्रमण से अधिक प्रभावित है। भारतीय सेना कोविड-19 के लिए बेहतर तरीके से तैयार रखने के लिए विभिन्न अस्पतालों में अपने चिकित्सा कर्मियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते भारतीय सेनाओं ने अपनी कमर कस ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 650 का आंकड़ा पार कर चुका है और वही दर्जनों लोग से इसकी मौत भी हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस भारी संकट से निपटने के लिए सेनाओं की तैयारियों की समीक्षा की है। राजनाथ सिंह ने सीनियर जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने चर्चा की कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में और क्या किया जा सकता है। हालांकि भारत सरकार ने कोरोना से लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। पूरे देश में लॉकडाउन पहले ही किया जा चुका है ताकि लोग आपस में मिले जुले ना और संक्रमण फैलने का स्तर कम हो सके। देश भर में लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद हैं और सिर्फ अपनी जरूरत की चीजों के लिए ही बाहर निकलने के आदेश दिए गए हैं। मोदी सरकार ने देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन किया है जिस दौरान लोग सिर्फ अपनी जरूरत की चीजों के लिए ही घरों से बाहर आ सकेंगे। मोदी सरकार के इस कदम की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। WHO ने भी इस कदम को संक्रमण रोकने की दिशा में एक सार्थक कदम बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।